परिचय अंकिता जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनन सभी जीवों की वह क्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है हाँ माधुरी तथा वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक गैमीट के संलयन के पश्चात एक नई जीव की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन कहलाती है तो आओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे लैंगिक जनन को परिभाषित करना मानव में लैंगिक जनन को समझना यौवनारंभ को समझना किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को पहचानना नर जनन अंगों को पहचानना मादा जनन अंगों को पहचानना मानव में जनन प्रक्रिया को समझना ऋतुस्राव रजोधर्म को समझना मानव में लैंगिक जनन मनुष्य एकलिंगी या एकालिंगाश्रयी होते हैं दो लिंग निश्चित बाह्य अकार्य की लक्षणों जिन्हें द्वितीयक लैंगिक गुण कहते हैं उसमें भी भिन्न होते हैं इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं मानव में जनन अंग नर में वृषण और मादा में अंडाशय यौवनारंभ की प्राप्ति के पश्चात कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं यौवनारंभ या लैंगिक परिपक्वता किशोरावस्था के दौरान यानी समय में यौवनारंभ लैंगिक परिपक्वता की वो अवधि है जिसमें जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं मानव नरों में लैंगिक परिपक्वता तेरह चौदह वर्ष की आयु में जबकि मादाओं में दस बारह वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है वृषण और अंडाशय जीवन क्षमता वाले युग्मकों को उत्पन्न करते हैं तथा ये हार्मोनों जैसे नरों में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरॉन और मादाओं में अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन को भी श्रावित करते हैं नर जनन तंत्र जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं मानव नर जनन अंग है वृषण अधिवृषण शुक्रवाहक मूत्रमार्ग शिश्न शुक्राशय ग्रंथियां पुरस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथियां नर जनन ग्रंथियां हैं वृषण वृषण छोटे आकार के एक जोड़े अंडाकार और गुलाबी रंग के अंग होते हैं जो कि एक पतली भित्ति त्वचीय थैली जिसे वृषण कहते हैं उसमें उपस्थित होते हैं वृषण कोश ताप नियामक के रूप में कार्य करते हैं जो कि साधारण शुक्र जनन के लिए वृषण का ताप शरीर के ताप से एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं क्योंकि अधिक शारीरिक ताप वृषण के शुक्राणुओं का निर्माण करने वाले ऊतकों को मृत्यु कर सकते हैं वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली जनन ग्रंथियों सहित लगभग 900 पतली तथा घुमावदार शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं जनन ग्रंथियां शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं अधिवृषण यानी एपीडी डिमेस अधिवृषण एक कुंडलीकृत नलिका जैसी संरचना है जो कि स्थायी रूप से वृषण से जुड़ी होती है और शुक्राणुओं के भंडार गृह की भांति कार्य करती है जहां पर कि शुक्राणु परिपक्व और गतिशील हो जाते हैं शुक्रवाहक शुक्राणु एक लंबी नलिका जिसे शुक्रवाहक कहते हैं उसके द्वारा अंगों जिन्हें शुक्राशय ग्रंथियां कहते हैं उनमें ले जाए जाते हैं जहां पर शुक्राणुओं को पोषण मिलता है तथा वे संग्रहित किए जाते हैं मूत्र मार्ग, मार्ग भी लंबी संक्री और नलिकादार संरचना है ये स्खलनीय वाहिनी और मूत्राशय से निकली हुई एक वाहिनी के जुड़ने से बनता है जिससे यह शुक्राणुओं और मूत्र यानी पेशाब दोनों का वहन करता है और इस प्रकार यह मूत्र जनन नलिका भी कहलाता है मूत्र मार्ग पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है शिश्न पुरुष का बाह्य जनन अंग बनाता है यह एक बेलनाकार ऊर्ध्व मोटी पेशीय भित्तियों युक्त मैथुन अंग है शिश्न के संवेदनशील सिरे को मुंड कहते हैं जो कि सिकुड़ी हुई त्वचा से ढका हुआ होता है जिसे लिंग मुंडच्छत कहते हैं नर जनन ग्रंथियां नर में तीन प्रकार की जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं शुक्राशय ग्रंथियां, पुरस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथियां और ग्रंथियां। शुक्राशय ग्रंथियां एक जोड़ी पतली भित्ति युक्त पेशीय लंबी पुट्टियां यानी सैक होती हैं जो कि शुक्राणुओं के पोषण के लिए तरल स्रावित करती हैं पुरुस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथी एक एकाकी दीर्घाकार तथा पलिपित ग्रंथि है जो कि मूत्राशय के बिल्कुल नीचे स्थित होती है यह तरल स्रावित करती है जो कि मूत्र मार्ग में मुक्त किया जाता है काऊपर ग्रंथियाँ एक जोड़ी सफ़ेद मटर के बीज के आकार की ग्रंथियाँ हैं जो कि शिश्न के आधार पर उपस्थित होती हैं यह क्षार्य वीर का श्रावण करती हैं जो कि मूत्र की अम्लता को उदासीन करता है तथा शुक्राणुओं को सक्रिय करता है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है शुक्राणु पुरुष शुक्राणु अति सूक्ष्म गतिशील और कशाभीय युग्मक होता है यह शीर्ष मध्यखंड और एक कंपनशील पूंछ का बना होता है यह अंडाणु के साथ संलयित होता है और जनक जीन को संतति तक पहुंचाता है मादा जनन तंत्र मादा जनन कोशिकाएं या अंड अंडाशयों में बनते हैं तथा कुछ हार्मोनों के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं मादा मानव के जनन अंग हैं अंडाशय अंडवाहिनी नलिकाएं गर्भाशय मादा जनन ग्रंथियां जैसे बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन अंडाशय अंडाशय मादाओं का प्राथमिक जनन अंग है यह एक जोड़ा छोटे आकार की बादाम की आकृति वाली और सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं जो कि उदर के श्रोणी में उपस्थित होती हैं आंतरिक रूप से प्रत्येक अंडाशय बहुत संख्या में अपरिपक्व प्राथमिक या अंडाशय पुटक के साथ होते हैं अंडाशय अंडजनन यानी उजेनेसिस के द्वारा जनन कोशिका में अंड बनाता है तथा एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करता है अंडवाहिनी नलिका अंडवाहिनी नलिकाएं एक जोड़ी लंबी कशाभीय पेशिए और नलिकादार संरचनाएं हैं जो कि अंडाशय के निकट से लेकर गर्भाशय तक फैली हुई होती हैं प्रत्येक अंडवाहिनी नलिका का बाहरी भाग अंडाशय के निकट स्थित होता है इसमें एक चौड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं और अंडाशय के द्वारा निकले हुए अंड को प्राप्त करने के लिए अंगुली सदृश्य प्रक्षेप होते हैं जिन्हें झालर यानी फिम्बरी कहते हैं गर्भाशय गर्भाशय एक बड़ी पेशीय आकार की तथा नाशपाती सदृश्य संरचना है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रोणी में उपस्थित होता है और अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन अपरान्यास और गर्भ यानी फीटल के विकास के लिए उत्तरदायी होता है इसका आंतरिक स्तर अत्यधिक संवहनीय और ग्रंथिल होता है तथा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है जो कि योनि में खुलता है योनि योनि एक लंबी पेशीय नलिकादार संरचना है जो कि गर्भाशय की ग्रीवा से पीछे तक फैली हुई होती है तथा यौनी छिद्र द्वारा अंत में प्राकोष्ठ यानी वेस्टिबुले में खुलती है मैथुन के दौरान जब वीर यौनी में मुक्त होता है तो यह मैथुन यानी संयोजन गुहा की तरह कार्य करती है और शिशु के जन्म के दौरान शिशु इसमें से ही होकर गुजरता है इसलिए यह जन्म गुहा की भांति भी कार्य करती है मनुष्यों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया नर युग्मक यह शुक्राणु अति सक्रिय तथा गतिशील होते हैं जो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय में गति करते हैं और अंडवाहिनी नलिकाओं में पहुंच जाते हैं अंडवाहिनी नलिका में केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ संलयन करके युग्मनज यानी जाइकोट बनाता है इसे निषेचन कहते हैं। यह केवल अंडोत्सर्ग काल के दौरान शुक्राणु अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश करने पर ही होता है अंडवाहिनी नलिका में युग्मनज यानी जाइकोट का भ्रूणीय परिवर्तन यानी विकास तुरंत प्रारंभ हो जाता है तथा सगर्भता यानी गर्भावस्था शुरू हो जाती है जबकि ऋतुस्राव यानी रजोधर्म बंद हो जाता है भ्रूण गर्भाशय में पहुँचने के लिए नीचे चला जाता है गर्भाशय की मोटी भीतरी परत में भ्रूण का अंत स्थापित होना ही अंतरोपण कहलाता है तब गर्भाशय की दीवार और भ्रूण के मध्य एक विशेष ऊतक जिसे अपरा कहते हैं उसका विकास हो जाता है जो कि भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है गर्भाशय के अंदर गर्भ यानी फीटल के विकास से लेकर बच्चे के जन्म की अवधि को गर्भावधि यानी जेस्टेशन कहते हैं गर्भावधि यानी जेस्टेशन के अंत पर पूर्ण विकसित गर्भ यानी फीटल को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव यानी पार्ट्यूरिशन कहते हैं मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास की प्रक्रिया में लगभग नौ महीने का समय लगता है ऋतुस्राव यानी रजोधर्म रक्तवाहिका के साथ यौनी से रक्त रक्तस्राव के रूप में गर्भाशय की मोटी और मुलायम आंतरिक दीवारों के टूटने तथा हटने को ऋतुस्राव यानी रजोधर्म कहते हैं अंडाशय और गर्भाशय में प्रत्येक 28 दिन या एक महीने बाद आतृवत बहाव की घटना का चक्र होता है जिसे मादा मानवों में आतृत चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या लैंगिक चक्र कहते हैं यह चक्र दो से आठ दिनों तक चलता है क्या आप जानते हैं शुक्राणु वीर्य यानी सीमेंट का केवल दस प्रतिशत भाग ही बनाते हैं मादा एक वर्ष में लगभग तेरह अंडे देती है जबकि मादा मानव जनन काल के दौरान लगभग 416 अंडे देती है मानव मादा में यौवनारंभ पर प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म जिसे रजोद्दर्शन यानी मैनार्क कहते हैं इसका प्रारंभ होता है रजोनी वृत्ति यानी मीनोपॉज वह काल है जब माता मानवों में अंडोत्सर्ग और चक्र स्थाई रूप से हमेशा के लिए बंद हो जाता है नए जन्मे शिशु का औसत भार तीन दशमलव पांच किलोग्राम होता है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तो मानव एक लिंगी होते हैं तथा लैंगिक दुई रूपता दर्शाते हैं नर जनन तंत्र वृषण अधिवृषण शुक्रवाहक मूत्र मार्ग और शिश्न से मिलकर बनता है शुक्राशय ग्रंथियाँ पुरुस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथियाँ और काउपर ग्रंथियाँ नर की सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं मादा जनन तंत्र अंडाशय अंडवाहिनी नलिका गर्भाशय योनि और भक् से मिलकर बनता है बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन मादाओं की सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं आर्थव चक्र के अंतर्गत अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन और जनन काल के दौरान मादा जनन क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित हैं यह चक्र लगभग एक माह में पूरा होता है यह चार प्रावस्थाओं पुटक प्रावस्था अंडोत्सर्ग प्रावस्था श्रावी प्रावस्था और आर्तव प्रवस्था से मिलकर बना होता है यह यौवनारंभ पर प्रारंभ होता है और रजोनिवृत्ति यानी मीनोपौस पर पूर्ण रूप से बंद हो जाता है भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जिसमें युग्मनज जाइकोट एक भ्रूण में बदल जाता है इसके अंतर्गत प्रावस्थाएं जैसे युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस निषेचन विदलन यानी क्लिवेज अंतरोपण अपरान्यास गर्भावधि यानी जेस्टेशन अंडजनन यानी उजेनेसिस और प्रसव यानी पार्ट्यूरिशन सम्मिलित होती हैं